अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और वीडियो का आगाज़ मैं अपने इंडियन व्यूअर्स को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देके करूँगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल इंडियंस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आप अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे होंगे और खुशी खुशी मना रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज आपकी क्रिकेट टीम आपको कोई खुशी भी दे अपनी इंडिपेंडेंस डे पर। और स्पोर्ट्स के बाकी मैदानों में भी, आर्चरी की चैम्पियनशिप में और हर जगह पर आप लोगों को कामयाबी मिले। उसके साथ साथ हम थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैच की, क्योंकि कल रात को जो है वो तीसरा दिन ख़त्म हो गया। बाबर आजम ने हमारी टीम को थोड़ा सा संभाला, क्योंकि चार तो काफ़ी जल्दी आउट हो गए थे जब लीड सिर्फ 29 रन की थी। फवाद आलम भी जीरो पे आउट हो गए, इमरान भट्ट भी जीरो पे आउट हो गए, अजहर अली और आबिद अली भी लंबी इनिंग नहीं खेल सके। तो उसके बाद बाबर आजम ने 50 बना के थोड़ा सा हमारी बैटिंग लाइन को संभाला, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी सिर्फ आधा काम हुआ है। बाबर आजम की 50 तो होगी, लेकिन उनको इसको सेंचुरी में ज़रूर कन्वर्ट करना होगा अगर वो अपने आप को बिग फोर या बिग फाइव की जो एक डिबेट होती है जिसमें जो रूट, स्मिथ, विलियमसन और विराट कोहली को गिना जाता है। तो इस साल अभी तक, इस इनिंग से पहले तक तो बाबर आजम ने 7 इनिंग में सिर्फ 154 रन बनाए थे और उनकी 22 की एवरेज थी। तो अब उनको शायद थोड़ा सा प्रूव करना होगा अपने आप को एज अ कैप्टन, उनको फ्रंट से लीड करना होगा। तो देखते हैं जी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का आज क्या बनता है। अभी फहीम अशरफ भी बैटिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को कम से कम भी 200 रन तो बनाने होंगे अगर मैच को थोड़ा सा सेफ करना है, क्योंकि 200 पे भी वेस्ट इंडीज़ के पास चांस तो होगा। अगर पाकिस्तान को मतलब अपने चांसेस काफ़ी बढ़ाने हैं तो इनको कम से कम 250 की लीड लेनी होगी। दूसरी तरफ इंडिया का भी आज मैच का चौथा दिन होगा, कल रात को भी हमने उस पर बात की थी कि इंडिया जो है, अगर आज देखते हैं अगर इंडिया कम से कम 250 रन बना ले तो मेरे ख्याल से इंडिया अच्छी पोजीशन में आ सकता है। इसके साथ साथ रात को लिवरपूल ने भी अपना मैच जीत लिया। मोहम्मद सलाह ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में रिकॉर्ड बनाया, लगातार 5वें सीज़न उन्होंने सीज़न के ओपनिंग डे पे गोल किया, जो लिवरपूल का पहला मैच था। तो अब देखते हैं कि इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस भी हैं, उनके बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। टेनिस में जो है टोरंटो में मास्टर्स सीरीज 1000 टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें स्टेफानोस सिटसिपास जो कि ग्रीस के हैं, उनको अपसेट शिकस्त हुई 3 सेट्स के अंदर। उनको अमेरिका के ओपेलका हैं, उन्होंने 3 सेट्स में बड़े सनसनीखेज मुकाबले के बाद हराया। तो अब देखते हैं फाइनल खेला जाएगा रशिया के मेडवेडेव और ओपेलका के दरमियान, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आज रात को और इंडिया इंग्लैंड पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस की और तमाम न्यूज़ अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे इस चैनल के थ्रू। आप हमें बताइएगा कि आपको कौन सी गेम पसंद है और किसके बारे में आपको न्यूज़ चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप इंडियन हैं तो आप आर्चरी में भी आजकल काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे होंगे, जितनी ज़बरदस्त इंडिया की वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप में परफॉर्मेंस है। तो आप मेरे पेज को, मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको तमाम न्यूज़, तमाम स्पोर्ट्स की अपडेट्स इसी तरह मिलती रहें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और एक बार फिर तमाम इंडियंस को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न यौम आज़ादी, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और रात को मुलाकात होगी दोबारा अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।